Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Duty College, University of Allahabad. And nowadays, I am discussing over higher education system in India. And today, I am going to discuss about particularly about autonomy in higher education system. The lecture will be in bilingual mode, and this topic, autonomy in higher education system, is very relevant, up to date, and must known to everybody who is the stakeholder of higher education. And the lecture will be especially useful for your various competitive teaching examinations as well as for your regular BA MA and professional BA MA courses. Okay, so let's start. First of all, autonomy in higher education system means उच्च शिक्षा निकाय में स्वायत्तता, या जैसे कि हम लोग के कानों में पड़ता रहता है, हम ज्यादा जानते नहीं है लेकिन फिर भी हम सुनते रहते हैं कि फला इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑटोनोमस हो गया है, या हमको ऑटोनोमस हो जाना चाहिए, या ऑटोनोमी की बात चल रही। क्या है ऑटोनोमी? तो मेनली ये जो आज का लेक्चर है वो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनोमी पे है, पर और भी तरीके की ऑटोनोमी की बात होगी, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूशनल ऑटोनोमी ना रख के ऑटोनोमी इन हायर एजुकेशन सिस्टम ही इसकी हेडिंग दी है। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी मतलब कि अगर हमारा इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस हो गया है तो उसका क्या तात्पर्य है। तो यूनेस्को ने कैसे डिफाइन किया है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को, एज अ डिग्री ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। सबसे बड़ी बात कि हम खुद गवर्न करेंगे अपने आप को। नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिगार्डिंग देयर एकेडमिक वर्क स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब क्या है इसका? इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि हाँ, मतलब जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वो डिसीजन मेकिंग की पावर हो उनके पास, वो खुद अपनी सत्ता चला सकें। और किससे रिलेटेड? मतलब एकेडमिक वर्क क्या रखना है, क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या पढ़ना पढ़ाना है, मैनेजमेंट क्या होगा और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं। एकेडमिक ऑटोनॉमी क्या है? Academic autonomy is a generic concept implying self-governance of a university and not limited to a narrow sense of designing the academic curriculum. Generally, हम लोग academic autonomy का ये मतलब समझते हैं कि हम अपना curriculum अगर खुद बना सकते हैं तो इसका मतलब हम academically autonomous हैं, पर ये इसका एक संकीर्ण अर्थ है। इसका मतलब academic autonomy curriculum बनाने से कुछ ज्यादा है। फिर financial management and controls are also integral to the concept of autonomy at the institutional level. यानी कि अगर हम institution के level पे autonomy की बात करते हैं, इसका मतलब कि financial management का भी हमको देखने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होगी, कोई और हमको govern नहीं करेगा। Institutional autonomy and academic freedom are highly interlinked. ये कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्या क्या जुड़ा हुआ है? जो संस्था है उसकी स्वायत्तता और जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं उसकी स्वतंत्रता। यानी कि हम तय कर सके कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। हायर एजुकेशन इन इंडिया इज हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशंस हैव वेरी लिमिटेड ऑटोनॉमी रिगार्डलेस ऑफ देयर पब्लिक और प्राइवेट स्टेटस। दिस इज स्पेशली ट्रू विद कॉलेजेस। कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जो उच्च शिक्षा है वो बहुत केंद्रीकृत है, मतलब एक इकाई द्वारा गवर्न होती है, उनके पास बहुत कम स्वायत्तता है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। और कॉलेजेस के संग तो और भी ज्यादा ही बात है कि वो पूरी तरह से यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड है ना। फिर क्रिएटिंग सक्सेसफुल यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्स अ सपोर्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन विच यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैव द ऑटोनॉमी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स वेदर रिसर्च और टीचिंग विद द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखिए, ऑटोनॉमी के संग अकाउंटेबिलिटी भी आता है। मतलब हम स्वायत्त तो हो जाए, हम कहेंगे कि हम अपना करिकुलम खुद बनाएंगे, खुद तय करेंगे क्या पढ़ना पढ़ाना है, तो हमको ये जिम्मेदारी भी लेनी होगी कि जो निकल कर आ रहा है छात्र वो मार्केट रेडी है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम सक्सेसफुल यूनिवर्सिटीज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमको उनको इस तरीके का गवर्नेंस स्ट्रक्चर देना होगा जिसमें कि वो तय कर सकें कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनको अचीव करने हैं, क्या रिसर्च करानी है, क्या टीचिंग करनी है, सब कुछ। Evidences from different higher education system across globe, यानी कि throughout the world, suggest that countries have been modifying their governance structures and systems to meet higher autonomy and higher levels of accountability. 1 minute, आजकल light बहुत ज़्यादा जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि हम अगर ये सबूत देखें, ये प्रमाण देखें across the globe, थ्रू आउट दी वर्ल्ड देखें, तो हमको ये लगता है, मिलता है कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है अक्रॉस ग्लोब, है ना, तो उन देशों ने अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इस तरह से मॉडिफाई किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्वायत्त हो सके
और उतनी ही लेवल की उनके पास अकाउंटेबिलिटी भी होगी, है ना। यानी कि हम स्वायत्त हैं और हम खुद ये जिम्मेदारी लेंगे कि हम क्या जो निकल कर आ रहा है ग्रेजुएट वो किस लेवल का ग्रेजुएट है। यानी कि तब हम अपने हाथ नहीं खड़े कर सकते, मतलब ये नहीं हो सकता है कि हम ऑटोनमस भी हो जाएं और अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर हो। अगर हम ऑटोनमस होंगे तो अकाउंटेबिलिटी हमारी अपनी होगी। इन इंडिया टू इनकॉर्पोरेटिंग एन इंडियन इंडेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ नैक एंड और एनआईआरएफ और सेपरेटली कैन एड्रेस मेनी कंसर्न्स एंड एम्बिग्यूटीज रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। ये तो एक जिस्ट हुआ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है। एकेडमिक ऑटोनॉमी करिकुलम बनाने से ज्यादा है, ऑटोनॉमी में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी आएगी, फिर अक्रॉस द ग्लोब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑटोनॉमस हो गए हैं और हम अपने यहाँ इंडियन इंडेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें तीन बार आई आया है ना इंडियन इंडेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, इसको I3A भी कहते हैं। नैक का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, और NIRF क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मतलब NIRF से हमको पता चलता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो नेशनली उसकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड एकेडमिक फ्रीडम की। हमने बात की अभी कि ये जो है वो आपस में इंटरलिंक है। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी इज ए नेसेसिटी बट नॉट अ सफिशियंट कंडीशन फॉर एकेडमिक फ्रीडम विच इज एसेंशियली द राइट ऑफ एकेडमिक स्टाफ टू डिसाइड व्हाट टू टीच, टू डिटरमाइन देयर रिसर्च क्वेश्चंस एंड मेथड्स एंड टू पब्लिश द रिजल्ट्स ऑफ दैट रिसर्च। कह रहे हैं कि संस्थागत जो स्वायत्तता है वो आवश्यक दशा है लेकिन सफिशियंट कंडीशन नहीं है, मतलब अपने आप में ये पूरा नहीं है, कुछ और चीज़ों की भी जरूरत पड़ेगी अगर हमको एकेडमिकली फ्री होना है। तो किसके लिए हमको एकेडमिकली फ्री होना है, हमको फ्री होना है कि एकेडमिक स्टाफ डिसाइड कर सके, टीचर डिसाइड कर सके कि वो क्या पढ़ाना चाहता है, किस तरीके की रिसर्च कराना चाहता है, किस तरीके से कराना चाहता है, अपने रिसर्च को वो कहाँ कैसे पब्लिश करना चाहता है। ये सारी हमको फैसिलिटी, स्वायत्तता, ये फ्रीडम होनी चाहिए। As pointed out by the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, बहुत नाम सुना होगा आपने, इसका फुल फॉर्म है Organization for Economic Cooperation and Development. 2005 में ये ऑटोनॉमी को कैसे कहता है, इट इज यूजली डिटरमाइंड बाई द लेवल ऑफ केपेबिलिटी एंड द राइट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो संस्था है उसका ये अधिकार है, उसकी एक क्षमता होनी चाहिए, उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कोर्स ऑफ एक्शन, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पाएंगे अपना ऑब्जेक्टिव, अबाउट इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, हमारे इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी क्या होगी, नियोजन क्या होगा, फाइनेंशियल और स्टाफ मैनेजमेंट क्या होगा, कंपेंसेशन क्या होगा, स्टूडेंट्स एकेडमिक फ्रीडम विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड अथॉरिटीज। यानी कि कोई और हमको ना बताए कि आप क्या कैसे पढ़ाइए, इतना रिक्रूटमेंट कीजिए, इतने बच्चे एडमिशन लीजिए, ये फीस रखिए, ये ना बताए, तो ये आपका एकेडमिक फ्रीडम है। तो निश्चित रूप से ये सिर्फ करिकुलम निर्माण से अधिक है। फिर ऑटोनॉमी इन इंडिया नीड फॉर ए न्यू लेंस, देखिए ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का एक अच्छा सा पेपर है, उसी को मैं आपको इस वक्त डिस्कस कर रही हूँ और ये बहुत अपने आप में मुझे सफिशियंट लगा, तो ये सारी हेडिंग्स मैंने वहीं से ली हैं। ऑटोनॉमी इन इंडिया नीड फॉर ए न्यू लेंस, वो कह रहे हैं कि अगर आप भारतवर्ष में स्वायत्तता देखना चाहते हैं तो आपको एक नए लेंस से देखना होगा, नए शीशे से देखना होगा, मतलब कहने का क्या मतलब है, न्यू एंगल से देखना होगा। इन इंडिया The concept of university autonomy has been debated almost for the past 4 decades. यानी आज हम अचानक से बात नहीं करने लगे हैं स्वायत्तता की, बल्कि पिछले 40 वर्षों से ये बात चल रही है। The Gajendra Gadkar Committee Report UGC 1971, यानी कि 1971 में जो रिपोर्ट आई, मतलब आप समझ रहे हैं लगभग 50 साल पुरानी रिपोर्ट है, ये भी कहती है कि the concept of university autonomy is often misunderstood. वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के कंसेप्ट को जनरली मिसअंडरस्टूड यानी गलत समझा जाता है। इट इज नाइदर अ लीगल कंसेप्ट नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट। ये कह रहे हैं कि ना ही तो ये कोई वैधानिक संप्रत्यय है, ना ही ये कोई संवैधानिक संप्रत्यय है। इट इज एन इथिकल कंसेप्ट एंड एन एकेडमिक कंसेप्ट, बल्कि ये एक नैतिक और शैक्षणिक संप्रत्यय है। दिस कंसेप्ट डज नॉट क्वेश्चन हाउ इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी लाइक अवर्स लेजिस्लेचर्स आर अल्टीमेटली सोवरेन and have a right to discuss and determine the question of policy relating to education, including higher education. The concept of university autonomy, however, means that it would be appropriate on the part of democratic legislatures not to interfere with the administration of university life, both academic and non-academic. वो कह रहा है कि देखिए हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है ना, पहले शिक्षा जो थी वो स्टेट का दायित्व था, फिर वो कॉन्करेंट लिस्ट में आई और स्टेट और सेंट्रल दोनों का दायित्व हो गया। तो कहा जा रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि हमारा डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर है और कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, आप मतलब अपने मन के हो जाएंगे।
वो कह रहे हैं ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर का ये मतलब है कि आप किसी यूनिवर्सिटी को इंटरफेयर मत करिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, तब तो वो ढंग से चल पाएगी, तब तो वो कोई इनोवेशन ऑप्ट कर पाएगी, चाहे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक। अगर आप उसको इतने रूल्स रेगुलेशंस ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो कहाँ से इनोवेशन लाएगी अपने में, है ना? आप पढ़ेंगे अगर हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी जिनके नाम आज भी ले जाते हैं, तक्षशिला है ना, विक्रमशिला, ये वाली, तो इनमें कहीं ये कहीं राज्य का नियंत्रण नहीं था शिक्षा पर, वो अपने हिसाब से चलते थे, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन थे वो, है ना? तो ऑटोनोमी इनोवेशन की फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी को आप मिसअंडरस्टूड मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, डायमेंशन ऑफ ऑटोनॉमी, अगर ऑटोनॉमी के डायमेंशन की हम बात करें तो तीन डायमेंशन की बात की गई है, एकेडमिक ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। एकेडमिक ऑटोनॉमी क्या है? डिजाइनिंग एकेडमिक प्रोग्राम एंड करिकुला तो है ही, यानी कि हम तय करेंगे हमको क्या पढ़ाना है, क्या करिकुलम होगा। इसके अलावा क्या है? टू डिसाइड वंस ओन प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च फेलोज, है ना? रिसर्च फेलो हम अपने हिसाब से चुनेंगे, हम अपने हिसाब से प्रो कोर्सेज लाएंगे, डिपार्टमेंट को ऑटोनॉमी होगी, आईक्यूएसी सेल्फ को के सेटअप को ऑटोनॉमी होगी, हम इंटरनल इवेलुएशन पे ज्यादा इम्फेसिस करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ टीचर को वेटेज दिया जाएगा, है ना? एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन इन इंडिया में हम क्या लिंकेज कर पाएंगे इन इंडिया एंड अब्रॉड, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस, एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च विद ए फोकस ऑन इंटरनेशनल बेंचमार्क्स सच एज साइटेशन इंडेक्सेस एंड पेटेंट्स। आप लोग अभी साइटेशन इंडेक्स और पेटेंट नहीं समझते होंगे, लेकिन फिर कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम अपना कोर्स बना सकें, हम ये चुन सकें क्या पढ़ाना है, हम फैकल्टी को रिक्रूट कर सकें, हम लिंकेज कर सकें, हम क्या कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दूसरे इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट से इन इंडिया एंड अब्रॉड कर सकें, मतलब हर चीज़ के लिए। और अगर आप नियंत्रण में हैं तो आप हर चीज़ के लिए आपको वहाँ से अनुमति लेनी है, जिसके भी आप नियंत्रण में हैं, जिसके भी आप एफिलिएशन में हैं, जिसके भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्से हैं, तो आपको बहुत बार वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, या समय निकल जाता है, या समय खर्च होता है, या नहीं हम वो उस चीज़ को वैसे कर सकते हैं, कि कहा जाता है कि ऐसा नियम नहीं है, आपको ऐसे ही चलना होगा। तो नियमबद्धता जरूरी है, पर बहुत ज़्यादा नियमबद्धता आपको बांध देती है, ठीक है? फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? कि हम क्या कर सके, मैनेजमेंट सिस्टम इन यूनिवर्सिटी टू इनकरेज बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस, यानी कि हम जो सबसे बढ़िया गवर्नेंस का हमको मॉडल मिलेगा उसको फॉलो कर सके। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू हैव द ऑटोनॉमी टू डिटरमाइन बोथ द रैंक एंड द नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ प्रोफेसर्स एज वेल एज एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो वो मार्क कर सके कि ये असिस्टेंट है, ये एसोसिएट है, ये प्रोफेसर है, रैंकिंग उनकी तय कर सके उनके काम के हिसाब से, उनके प्रमोशन के हिसाब से, उनके टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, है ना? आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है हम उसको आउटसोर्स कर देंगे सेंट्रल या स्टेट हायर एजुकेशन ट्रिब्यूनल फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, है ना? नॉर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू बी इवॉल्व विच आर ओपन पार्टिसिपेटिव एंड डेटा बेस्ड, एंड चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवोल्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिफाइंड फॉर डिफरेंट लेवल्स विद इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। थोड़ा आपके लेवल से ऊपर आपको लगेगा जो बीए के बच्चे हैं जनरली ग्रेजुएशन लेवल वाले, लेकिन समझिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जितना काम है उसकी हमको ऑटोनॉमी हो, हमको उसकी स्वायत्तता हो, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन तय कर सके, मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस तय कर सके, है ना? हमारे अकाउंटेबिलिटी के लिए भी नॉर्म्स डेवलप किए जाएं, रेस्पॉन्सिबिलिटी और डिवोल्यूशन का काम हो, तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी में आ जाएंगी। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी कि हम आर्थिक रूप से स्वायत्त हो, इसका क्या मतलब है? कि प्रोविजन ऑफ फंड्स टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस इन एन यूनाइटेड मैनर टू इंश्योर ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि कौन सा फंड कहाँ यूज होगा, होता है ना कि इस हेड के तहत ये फंड है तो दूसरे में कैसे यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म्स फॉर डिसाइडिंग द फी स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन तय कर सके कि उसको फी का क्या स्ट्रक्चर रखना है, स्कॉलरशिप तय कर सके, है ना? कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट हम ले सकें, तो इस तरीके की, यानी कि हर मुद्दे पे हमको स्वतंत्रता चाहिए, एकेडमिक लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, तब कहा जाएगा कि हम ऑटोनोमस है। फिर वही बात निकल के आएगी कि ऑटोनोमी के साथ अकाउंटेबिलिटी साथ साथ चलती है, जैसे कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारी और अधिकार, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, उसी तरह से स्वायत्तता और अकाउंटेबिलिटी भी साथ साथ चलती है।
रीसेंट इनिशिएटिव्स बाय एमएचआरडी एंड यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी कुछ कहा है ऑटोनोमी के लिए. क्या कहा है उसने? द रेलेवेंस ऑफ द ऑटोनोमस स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज इज रिइटरेटेड बाय मेनी कमिटीज एंड रिकमेंडेशंस इन इंडिया, वन ऑफ द रीसेंट बीइंग फ्रॉम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एमएचआरडी 2030. यानी कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें से जो रीसेंट है वो रूसा ने लिया है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में. वो क्या कहता है? विथ सजेस्टेड अमेंडमेंट्स और लेजिस्लेशन टू इंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज एज ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट एंटिटीज. वो कह रहा है कि जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनको आप स्वायत्त स्वतंत्र संस्थाएं बना दीजिए. One of the most significant suggestions is the gradual withdrawal of the state from decisions on the appointment of chairpersons of the executive council or vice chancellor and members of the executive council. वो कह रहा है कि क्या करिए, धीरे धीरे आप withdrawal कर लीजिए, है ना? तो आप क्या होगा, autonomous बन जाएंगे. क्या withdrawal करना है कि हम ये decision की जो executive council है उसका chairperson या vice chancellor या executive council के member, इन सबसे आप धीरे धीरे अपने आप को withdraw कर लीजिए. Grant of special status through graded autonomy to institutions and institutions of eminence are two special moves in this regard. ये आपको इतना नहीं पता होगा, आप और पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि बीच बीच में MHRD UGC इस तरीके के इनिशिएटिव निकालते हैं. उसने कहा था कि हम कुछ institutions को institutions of eminence का दर्जा देंगे, यानी आप उनको वो ग्रांट देंगे. आप अगर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो आपको अच्छी ग्रांट मिलेगी और फिर आप ऑटोनमस होंगे, मतलब आपको ये स्वतंत्र होंगे कि उस ग्रांट को आप कैसे किस हेड के तहत खर्च करना चाहते हैं, रिसर्च में खर्च करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने में चाहते हैं ना. ग्रांट ऑफ स्पेशल स्टेटस थ्रू ग्रेडेड ऑटोनॉमी, धीरे धीरे ऑटोनॉमी आपकी बढ़ाते जाएंगे, आप ग्रांट आपको मिलेगी आप बढ़िया काम करेंगे तो. यानी कि चाह रही है MHRDA, ये चाह रही है कि इंस्टीट्यूशंस ऑटोनमस हो जाएं. फिर UGC has a scheme for granting autonomous status to colleges. UGC ने कहा कि हम जो colleges हैं उनको autonomous status दे देंगे. Some of the objectives were to allow colleges to exercise freedom in framing courses of study and syllabus, devise appropriate teaching methods and conduct evaluation and assessment independently. वो कह रहा है कि अगर colleges autonomous हो जाएं तो उनके पास ये freedom होगी कि वो अपना course बना सकेंगे, syllabus बना सकेंगे, टीचिंग मेथड चुन सकेंगे, अपने मूल्यांकन के तरीके इंडिपेंडेंटली कर सकेंगे. मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी अब एग्जाम करा रही है इसलिए हमको कराना है, हम अपना तरीका खुद इख्तियार करेंगे अपने समय से. द कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शंस 2F एंड 12B. अब आपको 2F 12B नहीं पता होगा, हम आप पता करिए आपका कॉलेज 2F 12B के अंतर्गत आता है कि नहीं. जनरली आता है, क्यों? क्योंकि UGC से ग्रांट मिलती है हम लोगों को. विद सफिशियंट एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक रिसोर्सेज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कन्फर्मेंट ऑफ UGC ऑटोनॉमी. वो कह रहा है कि अगर आपका कॉलेज 2F और 12B के अंतर्गत आता है, आपके पास सफिशियंट एकेडमिक और नॉन एकेडमिक रिसोर्स है, तो आप UGC में ये अप्लाई कर सकते हैं कि आपको ऑटोनॉमी चाहिए या आप ऑटोनॉमस कॉलेज बनना चाहते हैं. The largest numbers of autonomous colleges are presently situated in the state of Tamil Nadu, followed by those in Andhra Pradesh and Maharashtra. वो कह रहा है कि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा तमिलनाडु में autonomous colleges हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हैं, फिर महाराष्ट्र. ये वही बात है जो पहले कह दी गई कि creating successful universities towards more meaningful autonomy. हम और अर्थपूर्ण स्वायत्तता की तरफ कैसे जाएंगे कि जब हम सपोर्टिव गवर्नेंस देंगे इंस्टीट्यूशंस को. और डिफरेंट हायर एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब ने कहा है कि कंट्रीज हैव बीन मॉडिफाइंग देयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स टू मीट हायर ऑटोनॉमी एंड हायर लेवल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ये बात हो गई. देयर इज एन इविडेंट शिफ्ट फ्रॉम स्टेट कंट्रोल्ड टू स्टेट सुपरवाइज्ड. ये खास बात है, मतलब अभी एक शिफ्ट हमको हायर एजुकेशन में देखने को मिलता है कि राज्य के नियंत्रण से, मतलब राज्य अपना नियंत्रण धीरे धीरे कम कर दे और सिर्फ क्या करे, सुपरवाइज करे. उसी तरह से ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2018 ने कहा कि सजेस्ट किया गया अ लाइट बट टाइट एंड फैसिलिटेटिव रेगुलेटर. अब आपको पता होगा अगर आप एनईबी 2020 जानते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या कहा जा रहा है, यूजीसी एनसीटी AICTE सबको हटा देंगे और एक सिर्फ क्या ले आएंगे, HECI. क्या है HECI? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो लाइट कर दीजिए लेकिन टाइट कीजिए रेगुलेटर, और बहुत सारे रेगुलेटर ना हो. उसी तरह से रेगुलेटरी बॉडीज सच एज द UGC शुड सर्व एज इंडिपेंडेंट बॉडीज सेपरेट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर अफेयर्स ऑफ हायर एजुकेशन. सच बफर बॉडीज कैन हैव कंट्रोल ओवर ऑल फंडिंग एंड ऑपरेशनल इश्यूज. हाउएवर दिस इज रेयरली द केस इन इंडिया. कह रहा होना क्या चाहिए कि जो UGC है वो इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह सर्व करे, वो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन से उसका कोई लेना देना ना हो.
लेकिन ऐसा होता नहीं है भारतवर्ष में, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यहाँ क्या प्रपोज किया जा रहा है कि इंडिया में हम एक सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं, इंडियन इंडेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, इसीलिए इसको I3A का नाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यूरोप हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका पैटर्न दूसरा है, वहां पे वो ऑटोनॉमी उनके लिए आसान है। बट एज द इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ जो इतना डाइवर्सिटी है, पैटर्न टाइप्स एंड नेचर आर मोर वेरीड इन इंडिया देन इन यूरोप एंड अमेरिकन कंट्रीज, इंडिया नीड्स अ डिफरेंशिएटेड फ्रेम टू लुक इनटू द इश्यूज ऑफ ऑटोनॉमी। तो हमको एक डिफरेंट फ्रेम चाहिए ऑटोनॉमी देखने का। मेजरिंग ऑटोनॉमी कैन बी अ गुड स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इंडेक्स, इंडियन इंडेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। वो कह रहे हैं कि आप ऑटोनॉमी को कैसे नापिए, कि आप एक इंट्रोड्यूस कर दीजिए I3A, इंडियन इंडेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द I3A कैन बी टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी इन द कंट्री, इट कैन सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट, इसको आप एक रेफरेंस पॉइंट की तरह से काम करेगा ये, फॉर इनेबलर्स एंड प्रोहिबिटर्स ऑफ ऑटोनॉमी, वो लोग जो ऑटोनॉमी के पक्ष में हैं, वो जो इसका विरोध करते हैं। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग अ टॉप डाउन अप्रोच ऑन द इंडिकेटर्स ऑफ ऑटोनॉमी, वी सजेस्ट टू अलाउ द स्टेक होल्डर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू डिसाइड ऑन द इंडिकेटर्स एज टू हाउ मच इंपॉर्टेंस दे शुड अटैच टू अ सेट ऑफ परसीव्ड डायमेंशंस ऑफ ऑटोनॉमी। देखिए सभी लोग ऑटोनॉमी के पक्ष में नहीं, वो कहते हैं आप अपने मन के हो जाएंगे, आप कुछ भी करेंगे, आप उश्रृंखल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन आपको कहीं, लेकिन आपको इतनी सारी, जब गवर्नेंस इतनी ज्यादा होती है, जब नियंत्रण इतना ज्यादा होता है, तो भी तो दिक्कत होती है ना। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि भारतवर्ष है, यहाँ पे आप तुरंत कोई चीज वेस्टर्न मॉडल नहीं फॉलो कर सकते, तो आप एक अपना मॉडल ले आइए, इंडियन इंडेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, और उसको देखिए कि आप कौन से मुद्दे को अपनाना चाहते हैं, कौन से को छोड़ना चाहते हैं, इस तरह से आप अपना काम करिए। और वो कह रहा है कि NAC और NIRF से भी इसको जोड़ दीजिए, तो वो भी देख पाएंगे कि आपने किन किन जो वो पॉइंट्स हैं वहाँ पे आप ऑटोनॉमस हैं, कहाँ कहाँ नहीं है, तो उस हिसाब से वो आपकी रैंकिंग भी कर देगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक UG लेवल पे लग सकता है, लेकिन ये बहुत दिनों से इस पर बात हो रही है और हम बहुत कम जानते हैं इसके बारे में, इसलिए ये टर्म हमको नए लग रहे हैं। पर मोटा मोटा मुद्दा ये कि उच्च शिक्षा में बहुत लंबे समय से ऑटोनॉमी की बात चल रही है, इसके पक्षधर हैं लोगों की संस्थाओं को स्वायत्त हो जाना चाहिए, और अगर वो वाकई काम करना चाहते हैं तो उनको स्वायत्त हो जाना चाहिए ताकि वो कुछ नवाचार अपने संस्थानों में ला सकें। अगर वो जो यूनिवर्सिटी से गवर्न नहीं है तो वो डिग्री नहीं दे पाएंगे, वो डिप्लोमा ही दे पाएंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी होगी ना, अगर आप यूनिवर्सिटी से संबद्ध नहीं है तो डिग्री देने की क्षमता केवल यूनिवर्सिटी के पास होती है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्वायत्तता, ठीक है। थोड़ा और पढ़ेंगे इसको और जानेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।